Assalamualaikum. today with the help of this video i am going to make you understand about homonyms and homophones fine and before that i want you to subscribe my channel okay guys now today we will learn about homonym and homophones टॉपिक पढ़ना होगा उसका जो टॉपिक का नाम होगा वो समझना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर आज हम दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं दैट इज़ होमोनियम एंड होमोफोन फाइन होमोनियम एंड होमोफोन में आप देख सकते हैं कि जो टर्म होमो है वो सेम है ठीक है होमो का मतलब क्या होता है सेम होता है ठीक है अब हमारा टॉपिक है होमोनियम हमारा टॉपिक है होमो नियम पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे होमो नियम की डेफिनेशन होमोनियम क्या होता है वो वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग आई विल रिपीट होमोनियम आर द वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग ठीक है होमो का मतलब हमने अभी समझा कि होमो का मतलब क्या होता है सेम होता है और नेम का मतलब नेम यानी यहाँ पर नाम जो है दो वर्ड्स के जो स्पेलिंग्स हैं नाम है वो क्या होंगे सेम होंगे और जैसे आप वो प्रनाउंस करेंगे उन वर्ड्स की जो साउंड होगी वो भी क्या होगी सेम होगी होमोनियम का मतलब है सेम नेम यानी सेम स्पेलिंग होगा और सेम प्रोनंसिएशन होगी जब आप वो वर्ड्स बोलेंगे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी सेम होगी लेकिन उनका क्या है डिफरेंट मीनिंग होगा फाइन तो होमोनियम्स वो वर्ड्स हैं जिनके नेम तो सेम है लेकिन डिफरेंट मीनिंग है ओके okay? होमोनियम क्या है

कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे होमो नियम का मैंने अभी आपको क्या बोला होमो का मतलब होता है सेम होमो का क्या मतलब होता है सेम होमो मीन्स सेम बट नियम का क्या मतलब होता है नियम का मतलब होता है नाम यानी इनके जो क्या होंगे होमो नेम मतलब सेम नेम होंगे लेकिन मीनिंग क्या होगा डिफरेंट होगा ठीक है इनका जो मतलब है वो डिफरेंट है लेकिन इनकी स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है रोज रोज़ मतलब टू हैव गॉटन अप उठ जाना राइज इसका वी वन है ठीक है, okay? है और रोज़ हम सबको पता है रोज़ मीन्स फ्लावर ओके काइंड काइंड आप देखो स्पेलिंग्स भी सेम है और यहाँ पर प्रिनाशिएशन भी क्या है सेम है लेकिन मीनिंग क्या है डिफरेंट है हाउ मनी काइंड ऑफ सेंटेंसेज आर देर या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर देर तो काइंड का क्या मतलब होता है काइंड का मतलब होता है यहाँ पर टाइप यहाँ पर भी काइंड है यहाँ पर भी काइंड है लेकिन इनके जो मीनिंग्स हैं वो क्या है डिफरेंट है फाइन एक काइंड का मतलब होता है टाइप और दूसरे काइंड का मतलब होता है केयरिंग ओके okay? उसके बाद नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है बेर

फाइन यहाँ पर भी आप देखो एल ई एफ टी लेफ्ट एल ई एफ टी लेफ्ट बोथ स्पेलिंग्स आर सेम एंड द प्रोन्सीशन इज ऑल्सो सेम बट दे डिफर इन देयर मीनिंग्स एक लेफ्ट का मतलब है टू लीव छोड़ जाना और दूसरे लेफ्ट का आपके बॉडी का ह्यूमन बॉडी का लेफ्ट साइड ओके एड्रेस एड्रेस स्पेलिंग आर अगेन सेम प्रंसिएशन इज सेम बट देर दे डिफर इन

इनका जो साउंड है वो क्या होगा सेम होगा यानि द वे यू प्रोनाउंस इट आ सेम बोथ वर्ड्स का क्या है ये दोनों की जो प्रोनंसिएशन है इनका जो साउंड है वो क्या है सेम है प्रोनंसिएशन सेम बट डिफर इन स्पेलिंग एज वेल एज दे डिफर इन मीनिंग इनका साउंड तो सेम होगा लेकिन स्पेलिंग क्या होगी स्पेलिंग डिफरेंट होगी और इनका जो मतलब है वो भी क्या होगा डिफरेंट होगा ओके सम एग्जाम्पल्स ऑफ होमो फोन्स होमो मीन्स सेम फोन मीन्स साउंड सिर्फ इनका यहाँ पर साउंड सेम होगा स्पेलिंग तो डिफरेंट होगी प्लस इनका जो मीनिंग है वो भी क्या होगा डिफरेंट होगा फाइन ओनली साउंड ओनली साउंड विल बी Same only sound will be same, okay? Only sound will be same and the meaning and spelling will be different. Fine. Sun, S -U -N, S-U-N. Sun, S-O-N. Sun. आपने क्या अवलोकन किया? यहाँ पर इनकी जो spelling है वो क्या है? Different है. ठीक है. Meaning क्या है? Different है. The way I pronounce it, or you are pronouncing it, a same sun sun, right? S-U-N is sun, and S-O-N is also sun. Dono ki pronunciation same hai. Sun stars around which sorry star around which Earth revolves. Suraj sun beta relation of boy with parents fine C C. s e e c s e a c the way you pronounce it same you pronounce it as same fine c c but the spelling is different as well as meaning is different c to watch with eyes c samandar fine plane plane एक plane होता है simple in structure आम सी चीज ठीक है दूसरा प्लेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी हवाई जहाज पीस पीस प्रोनाउंसिएशन सेम डिफरेंट इन मीनिंग एंड डिफरेंट इन स्पेलिंग ऑल्सो पीस अमन में रहना फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस और पीस हिस्सा ठीक है टुकड़ा एट एट एक एट एक नंबर है आठवां नंबर ठीक है और एट मीन्स फॉर्म ऑफ ईट ईट क्या होता है खाना नाउ ये बहुत ही इजी वीडियो था जिसके बारे में हमने समझा होमोनियम और होमोफोन के बारे में होमोनियम क्या होता है ठीक है सेम नाम यहाँ पर स्पेलिंग भी सेम होता है ठीक है और प्रोनंसिएशन भी सेम लेकिन दे डिफर इन मीनिंग यहाँ पर सिर्फ साउंड सेम होता है स्पेलिंग भी डिफरेंट और मीनिंग भी डिफरेंट ना आपका होम टास्क ये है कि आप क्या करोगे आप टेन टेन एग्जाम्पल्स लिखोगे किसके होमोनियम के टेन एग्जाम्पल्स और होमोफोन्स के टेन एग्जाम्पल्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच